वेलकम बैक टू तिवारी लॉजिक चैनल। हम लोग देख रहे हैं सिक्स क्लास का मेंसुरेशन चैप्टर, उसमें कुछ क्वेश्चन किए, इंट्रो हो गया। अब आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सभी बच्चों को मिल पाए और देख पाए। मेरी प्रयास है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टॉप चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है, बस इसको समझने का है। क्योंकि जो आम लोग हम लोग घर बाहर देखते हैं वही चीज है, उसको समझ जाएंगे मेंसुरेशन में कुछ नहीं है। उसको एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसका। देख आइए देखते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या, हमें एक फोटो फ्रेम है जो ये 32 सेंटीमीटर है, 21, 32, तो इसमें कितने वुडन लगेंगे, यानी ये फ्रेम लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, टोटल कितना लगेगा। तो टोटल एड कर देंगे तो आपका मेजरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए, गिवन द लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, दोनों हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि वुडन स्ट्रिप का रिक्वायर्ड द फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ फ्रेम फोटोग्राफ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, पेरीमीटर ऑफ फ्रेम इक्वल टू कितना देगा, 2 × लेंथ प्लस। हम ऐसे कर सकते हैं, कितना हो गया, 106 सेंटीमीटर। देंगे length of photo frame each 106 cm। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं।